पर आशुतोष, ये गठबंधन का जो राग अलापा जा रहा है, ये मजबूरी बन गया है गठबंधन मौजूदा राजनीतिक हालात में, या ये जरूरी हो गया है? इसके बिना आगे की राजनीति नहीं चलती दिखाई दे रही है। देखिए संजीव, संदीप, ये मुझे लगता है कि मजबूरी से ज्यादा है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसा ऐसी तो कोई स्थिति नहीं पैदा होगी जिसकी वजह से ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को किसी तरीके का कोई खतरा है। ऐसी कोई स्थिति है नहीं इस वक्त, और ना ही इस तरीके की कोई बातचीत कहीं किसी कोने में चल रही है। बल्कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद, भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद उनको एक तरीके का फ्रेश ऑक्सीजन भी मिला है। और ये फ्रेश ऑक्सीजन जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही है, और शायद वो जो गठबंधन के साथी है उनके ऊपर उनको ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि बीजेपी कमजोर हो रही है, तो वो तो उनको ऑक्सीजन मिली है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मजबूरी जैसी बात है। हाँ, अगर वो महाराष्ट्र के झारखंड अगर हारते हैं तब शायद जरूर इस तरीके की बातें कुछ शुरू होंगी, लेकिन अभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। और मुझे लगता है अच्छी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने गठबंधन के साथियों को उतनी तवज्जो तो नहीं देती थी, अगर उनके पॉलिटिक्स साथ में बैठक कर रही। दरिया दिली भी दिखा रही है क्या बीजेपी? पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, 2014 से 2019, 19 से 2024, जो सरकारें थी 1.0 और 2.0 मोदी, मैं कह सकता हूं, वो एक ही बार एनडीए गठबंधन मिलता दिखाई दिया था, वो भी तब जब इंडिया गठबंधन पिछले साल अंतिम महीनों में, इसी वक्त की बात थी जब वो ताल ठोकने लगे थे, तो एक वो इकलौती बैठक हुई थी। अब तो बीजेपी इज मेड अ ट्रिमेंडस कमबैक, हारी हुई बाजी जीत ली हरियाणा में, तो 13-13 मुख्यमंत्री अपने साथ, बाहर वाले उप मुख्यमंत्री, सब नेताओं को न्योता देने के मायने क्या? ये जरूरी क्यों समझा बीजेपी ने? मुझे लगता है कि एक दूसरे के प्रति जो कहीं किसी तरीके का कोई अविश्वास ना पैदा हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैसले पिछले दिनों हुए जिसकी वजह से अविश्वास हो सकता है गठबंधन के साथियों में। अगर आप सिर्फ बिहार का उदाहरण ले लें, तो बिहार में जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने की बात की और भारतीय जनता पार्टी ने उससे अपने आप को डिसोसिएट किया, क्योंकि वहां जनता दल यूनाइटेड ने इसका विरोध किया, और न केवल विरोध किया बल्कि यहां तक कहा कि ये तो एक तरीके समाज के अंदर दुराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो वो एक कोशिश जरूर हो सकती है कि हम ऐसा कुछ नहीं जो हमारा अपना अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे और अपने गठबंधन के साथियों की वजह से। साथ ही साथ गठबंधन के साथियों को साथ में लेने का नतीजा ये भी है कि कम से कम 4 ऐसे फैसले हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस लिए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार अपने फैसलों को वापस लेने के लिए नहीं जानी जाती है। तो कहीं किसी तरीके का कोई अविश्वास ना हो, कहीं किसी तरीके कोई दिक्कत। लेकिन संदीप, एक जो नई चीज मैं देख रहा हूं कि चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों तरफ से कोई स्ट्रक्चर्ड बातचीत नहीं हो रही। स्ट्रक्चर्ड का मतलब यह है कि कहीं किसी तरीके का कोई कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी हुई है, ना उसका कोई कन्वीनर है, ना उसका कोई एजेंडा है, ना तो एनडीए ने कोई ऐसी कोशिश की है और ना इंडिया गठबंधन ने कोई ऐसी कोशिश नहीं। की है। और अगर मैं वो शब्द इस्तेमाल करूं व्यवस्था का, कि कोई सचिवालय बना है क्या? एनडीए का कोई सचिवालय है क्या? कोई समन्वय समिति है क्या? कोई संयोजक है क्या? भाई वाजपेयी के टाइम पे गठबंधन धर्म की जब ताल ठोकी जाती थी तो एनडीए के बाकायदा संयोजक होते थे, चंद्रबाबू नायडू भी रहे संयोजक। तो ये अभी ज्यादा पॉस्चरिंग की बात है या एक स्ट्रक्चर भी बनता अब आप आपको दिखाई देने वाला है, अगर अभी हम एनडीए तक अपनी बात को सीमित रखें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोऑर्डिनेशन कमेटी अब तक बन गई होती, खासतौर पर एनडीए गठबंधन की तरफ से, क्योंकि वहां विचारधारा के स्तर पर ज्यादा टकराव की स्थिति पैदा होती। अगर आप देखिए तो आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करते हैं, उनके बेटे साफ तौर पर कहते हैं कि ये कोई अपीजमेंट नहीं है बल्कि तो अफर्मेटिव एक्शन है, और वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे चुनाव के दौरान कि किस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जो इंडिया गठबंधन है वो सारे जो आरक्षण जो दिया गया वापस लेकर मुसलमानों को देगी। तो सीधा टकराव वहां पे संभव हो सकता था आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन उसको एक साधने की कोशिश की गई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं है,
जातिगत जनगणना का मुद्दा अभी तक उसका रेजोल्यूशन साफ दिखाई नहीं दिया है, जबकि एनडीए के बहुत सारे घटक और नीतीश कुमार वो तो लगातार उसकी पैरवी कर रहे हैं। और इसी में नीतीश कुमार का वहाँ ना आना सामान्य प्रक्रिया, भाई उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज चल रही है आजकल, पब्लिक अपेयरेंसेस कम हो रही हैं, उसी फिट में देखें या नीतीश कुमार का ना आना इसमें भी कुछ राजनीति अभी छिपी है क्या आशुतोष? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी राजनीति दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जब से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से केंद्र के अंदर मंत्री बने ललन सिंह, तब से ललन सिंह जो है जनता दल यूनाइटेड वाले कम दिखाई पड़ रहे हैं, बीजेपी के रंग में ज्यादा रंगे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये खतरा जो नीतीश कुमार को हमेशा लगता है कि उनके साथी जो है बीजेपी के साथ चले जाते हैं, दो बार ऐसा उनके साथ धोखा हो भी चुका है। मैं यहाँ एक और बात कहना चाह रहा था, वो ये कि जो ये कास्ट सेंसस की बात है, दरअसल यही भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में अकिलेस हील बनती जा रही है और बनेगी, और इसकी उनको इसका उन्होंने कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोग कास्ट सेंसस के बारे में बात करते, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है वो सेंसस नहीं करवा पा रही है। बाकी तो छोड़ दीजिए आप, कास्ट सेंसस तो बहुत बात की बात है, जो पार्टी लगातार सेंसस को टाल रही है, जबकि कायदे से 2021 तक हो जाना चाहिए, अगर महामारी थी तो आप 22 में करा लेते, 23 में करा लेते, 24 खत्म होने वाला है, तो जो पार्टी कंसेंस जो जनगणना नहीं करा पा रही है वो कास्ट सेंसस की बात आप उससे क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि जब तक आपके पास जनगणना के आंकड़े नहीं होंगे तब तक आर्थिक विकास का मॉडल आप तैयार कैसे करेंगे, किस हिसाब से आप एलोकेशन करेंगे, किस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे, तो सब कुछ जो है वो हवा उसमें पिछड़ी राजनीति का भी एक एंगल कहीं ना कहीं वो भी छिपा हुआ है, क्रीमी लेयर का मसला है, प्रस्ताव भेजा है महायुति की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने केंद्र सरकार को कि 15 लाख के ऊपर कर दिया जाए क्रीमी लेयर का मामला, उसमें भी कुछ राजनीति है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।